नमस्कार, आज का ये मेरा वीडियो पिछले वीडियो के कंटिन्यूएशन में है, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि क्या पेशेंट्स को कीमोथेरेपी के दौरान एक्सरसाइज करनी चाहिए कि नहीं। जैसे कि हमने बताया कि कीमोथेरेपी के टाइम पेशेंट्स को एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये एक नई शोध के द्वारा इसके ऊपर एम्फेसिस दिया गया है कि पेशेंट जितनी जल्दी एक्सरसाइज शुरू करता है उसके लिए वो इतना ही बेनिफिशियल होता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि पेशेंट को कब अपनी एक्सरसाइज शुरू कर देनी चाहिए ड्यूरिंग कीमोथेरेपी, उसे कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए और कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो सबसे पहले कि एक्सरसाइज जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शुरू कर देनी चाहिए। द अर्लिएस्ट द पेशेंट इज अप एंड अबाउट आफ्टर टेकिंग कीमोथेरेपी द बेटर इट इज। तो अगर आपकी बॉडी अलाउ करती है तो हमारी तरफ से रिकमेंडेशन यही है कि आप अपने कीमो के 2 या 3 दिन के बाद ही अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर दें। बट अगर आपको नौजिया, वॉमिटिंग और लूज मोशन की कंप्लेंट है तो आप अपना एक्सरसाइज शेड्यूल जो है वो थोड़ा डिले कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज जो है हमें जो स्टडीज हैं उसके अकॉर्डिंगली ऐसा रिकमेंडेशन है एक्सपर्ट्स की कि हफ्ते में 150 मिनट्स या 3 घंटे का एक्सरसाइज शेड्यूल होना चाहिए। तो दैट कम्स टू अबाउट 30 मिनट्स पर डे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको अपनी एक्सरसाइज एवरी डे मतलब 30 मिनट्स करनी ही है। कुछ दिन ऐसे होंगे जब आप 40-45 मिनट भी अगर एक्सरसाइज कर लें तो आप तंदुरुस्त अपने आप को फील करेंगे, और कुछ दिन ऐसे होंगे कि जब आपसे 10 या 15 मिनट की एक्सरसाइज भी आप मुश्किल से कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपको एक फिक्स्ड टाइम के लिए एक्सरसाइज करनी है, बट एटलीस्ट वीक में आप अपना अंदाजा लगा लीजिए कि कम से कम 3 घंटे की एक्सरसाइज जरूर हो। तो एक्चुअली हम इसमें ये कहना चाहेंगे, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि सेट रियलिस्टिक गोल फॉर योरसेल्फ। ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को ओवर स्ट्रेच करें या आप ओवर एक्सरसाइज करें। अगर आपकी बॉडी जितना अलाउ करती है, लिसन टू योर बॉडी, जितनी आपकी बॉडी अलाउ करती है आप उतना एक्सरसाइज जितना कंफर्टेबली कर सकते हो उतना ही करें। द बेस्ट थिंग इज लाइक समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो अगर आप 5 मिनट से स्टार्ट करते हैं, 10 मिनट से स्टार्ट करते हैं, तो धीरे धीरे वो जो आपका टाइम स्पैन है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो हमने देखना है कि हमें क्या एक्सरसाइजेस करनी है। तो सबसे पहले हम माइल्डेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो एकदम जेंटल हो, आपकी बॉडी पे ज्यादा टैक्सिंग ना हो और जिसमें इंजरी का स्कोप ना हो, ऐसी एक्सरसाइज से हम स्टार्ट करेंगे। तो ये एक्सरसाइज क्या है, ये है हमारी वॉक। वॉक स्टार्ट विद अ वॉक, प्रेफरेबली इट कुड बी अ मॉर्निंग वॉक। लेकिन आपको, अगर आप मॉर्निंग में नहीं उठ सकते हैं, आपके जहाँ पे आप रह रहे हैं आपका वेदर जो है वो कंजीनियल नहीं है, या मॉर्निंग में आपको उठने में कुछ दिक्कत है, तो आप दिन में किसी भी टाइम पे अपना वॉक का टाइम निकाल सकते हैं। और आप स्टार्ट कीजिए अपनी माइल्ड वॉक से, आप जेंटल वॉक से स्टार्ट कीजिए और उसको इंक्रीज करके यू टेक इट टू ब्रिस्क वॉकिंग। फिर लेटर ऑन अगर यंग लोग हैं तो वो जॉगिंग भी कर सकते हैं, रनिंग भी कर सकते हैं, साइकिलिंग भी कर सकते हैं, या कार्डियो एक्सरसाइज का कोई भी और फॉर्म कर सकते हैं। एरोबिक्स करनी है बेसिकली आपको, अपने हार्ट के लिए और अपनी मसल्स के लिए। अगर आप एक गो में अपना एक्सरसाइज का टाइम नहीं निकाल सकते हैं या आप कंफर्टेबली नहीं कर सकते हैं, तो एक्सरसाइज इन चंक्स, आप मतलब थोड़े थोड़े टाइम के लिए एक्सरसाइज करो, स्प्लिट कर लो 10-10 मिनट्स के लिए, आप उसको स्प्लिट कर लो अपनी एक्सरसाइज को। ठीक है, और एक जो चीज है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अपना एक्सरसाइज पार्टनर ढूंढ लो। ठीक है, इफ यू हैव अ कंपनी, चाहे आप अपने वॉक पे जा रहे हो उसके लिए कंपनी है, या आप घर में एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप कहीं भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो एक पार्टनर ढूंढ लीजिए। तो उससे वो आपको मोटिवेट भी करता रहेगा और उसमें आपका ध्यान भी बटा रहता है और एक्सरसाइज का टाइम आपको टैक्सिंग नहीं लगता, वो कंफर्टेबली निकल जाता है। एक्सरसाइज कहाँ करें, ठीक है, कहाँ जाएं आप एक्सरसाइज के लिए,
इनिशियल जो टाइम है आपका वो थोड़ा क्रूशियल टाइम होता है, जो कीमोथेरेपी के इमिडिएटली बाद का टाइम होता है, अप टू 10 डेज वो क्रूशियल टाइम होता है। तो उस टाइम पे अगर आप चाहें तो आप अपने घर के अंदर ही एक्सरसाइज कर सकते हैं, टू गो फॉर अ वॉक इन योर हाउस, या अपने घर के गार्डन में एक्सरसाइज कर लीजिए, अपने टेरेस पे एक्सरसाइज कर लीजिए, या स्टेयर्स पे ऊपर नीचे क्लाइंबिंग एक्सरसाइज कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद 7 to 10 डेज के बाद जब आपके सेल काउंट रिकवर हो जाते हैं, आपकी इम्यूनिटी नॉर्मल हो जाती है, तो आप बाहर भी जा सकते हैं एक्सरसाइज करने के लिए। वैसे तो मॉर्निंग वॉक जो है वो बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है और ये सबके लिए एडवाइजेबल है, लेकिन अगर जो हमारे जो यंग पेशेंट्स हैं जो ऑलरेडी एक्सरसाइज कर रहे थे, जिनका शेड्यूल जिनके शेड्यूल में एक्सरसाइज का टाइम स्पैन काफ़ी ज़्यादा था, तो वो अपने रूटीन में स्ट्रेंथ एक्सरसाइज और फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। इनके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं बिकॉज ये आपकी मसल्स को और आपकी बोन्स को स्ट्रेंथन करते हैं, और अगर कहीं बॉडी में इडीमा है, स्पेशली जैसे ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स हैं, अगर वो उनकी सर्जरी हुई है तो आर्म में इडीमा है, तो उसमें ये स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज बहुत हेल्पफुल होती है। और जो फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज है वो मसल वेस्टिंग प्रिवेंट करती है और आपकी बोन्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो ये तो हुआ कुछ जो एक्सरसाइज रिजीम हम जो एडवाइस करते हैं, लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं उनको एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिल पाता या मोटिवेशन नहीं है एक्सरसाइज करने का, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, अपने जो डे टू डे लाइफ में जो वो एक्टिविटीज करते थे, दिस इज स्पेशली फॉर द हाउसवाइफ्स एंड द एल्डरली पीपल। तो अगर आप घर में कोई भी अपना जो काम रूटीन से कर रहे हैं तो वो आप अपनी एक्टिविटी जितनी जल्दी हो सके वो रिज्यूम करें, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, आप सेल्फ रिलायंट हो और अपना काम जहां तक हो सके आप खुद ही कीजिए। फॉर एग्जांपल अगर आपने अपना खाना लेके आना है तो आप खुद उठकर जाकर किचन से लेकर आ सकते हैं, आपको कुछ भी पानी का ग्लास लेना है या आपको घर में कुछ भी हल्का फुल्का काम करना है तो आप अपनी वो एक्टिविटी करते रहिए। जो वर्किंग लोग हैं वो जितनी जल्दी हो सके अपना ऑफिस वर्क रिज्यूम करें, अपने ऑफिस में जाएं और वहां पे जाके अपना वो काम शुरू कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जितना हमारी डे टू डे लाइफ जो है वो एक्टिव रहेगी तो उसमें भी हमारी काफी कैलोरीज बर्न होंगी, दैट विल स्टिम्युलेट योर एपेटाइट, दैट विल गिव यू अ गुड स्लीप एंड दैट विल ऑल्सो डाइवर्ट योर अटेंशन और आपका जो है आपको मोटिवेशन देगी। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर जिसकी वजह से पेशेंट एक्सरसाइज नहीं करते हैं वो होता है लैक ऑफ मोटिवेशन। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए हम पेशेंट्स को यही एडवाइस करेंगे कि आप पहले अपने आप को मोटिवेट कीजिए, मतलब कि आपको ये डिजीज से फाइट करना है और ये कैसे फाइट करना है ये आप ही अपने आप को बेस्ट बता सकते हैं, कोई और आपको सिर्फ गाइड कर सकता है, लेकिन अपनी बॉडी को और अपनी लाइफ को स्ट्रीमलाइन करने के लिए और ट्रैक पे लाने के लिए आप सबसे अच्छे जज हैं जो आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो। अपने सेल्फ मोटिवेशन से आप अपनी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, आप अपना डाइट रिजीम भी सुधार सकते हैं, आप वर्किंग भी रह सकते हैं एंड यू कैन कम बैक टू एंड यू कैन ब्रिंग बैक योर लाइफ टू नॉर्मल एज अर्ली एज पॉसिबल। सो गुड लक माई डियर पेशेंट्स, थैंक यू एंड वेट फॉर मोर वीडियोज, थैंक यू।